Hello student, myself Mohammad Asghar Ali. आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं स्किल कॉन्स्ट्रेंट के बारे में. स्किल कॉन्स्ट्रेंट होता क्या है? कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है एक्चुअल कंडीशन देना. जब आप टेबल बनाते हैं तो आप कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जिसमें आपको कंडीशन देना मस्ट है. जैसे आप कंडीशन देते हैं कि जिसका मार्क्स 60 से ज़्यादा होगा या 60 होगा तो फर्स्ट डिवीज़न होगा, या 60 से कम होगा तो सेकंड डिवीज़न होगा, या ये जो नंबर है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 डिजिट्स, या फिर जेंडर में एम और एफ ही होना चाहिए. तो ये जो कंडीशन हम देते हैं टेबल में या पर्टिकुलर फील्ड में, ये कंडीशन किस तरीके से देते हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट्रेंट. कॉन्स्ट्रेंट के बारे में यहाँ बताया है हमने कि कॉन्स्ट्रेंट आर द रूल इन्फोर्स ऑन द डेटा कॉलम ऑन टेबल्स. दीज आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इन टू द टेबल. दिस इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इन द डेटा बेस. कॉन्स्टेंट कुड बी कॉलम लेवल और टेबल. जैसा कि हमने बताया, कॉन्स्टेंट जो आप देंगे टेबल लेवल पर भी दे सकते हैं और कॉलम पर भी दे सकते हैं. Column level constraint are applied only to one column, where the table level constraint are applied to the whole table. तो constraint देने का दो तरीका है, या तो आप column wise देंगे या फिर table wise देंगे. अब आते हैं हम लोग बात करते हैं how many types of constraint, कितने तरह का constraint होता है. There are different types of constraint. Number one is not null constraint, default constraint, unique constraint, primary key constraint, foreign key constraint, check constraint, index constraint. तो these are the different types of constraint जिसको हम लोग one by one discussion करेंगे. जैसे not null constraint किसको कह रहा है? Ensure that a column cannot have null values. ऐसा हम चाहते हैं कि उसमें जो column है उसमें entry करना must है, null नहीं होना चाहिए, तो not null use करेंगे. Default constraint क्या कहता है? Provide a default value for a column who when none is specified. आप देखे होंगे कि बहुत सारे फॉर्म जब सबमिट करते हैं तो उसमें लिखता है मैंडेटरी, किसी में लिखता है ऑप्शनल लिखता है. तो आप अगर नहीं एंट्री कीजिएगा तो वो अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट. यूनिक कॉन्स्टेंट इंश्योर दैट ऑल द वैल्यू इन द कॉलम आर डिफरेंट. अगर हम किसी फील्ड के बाद अगर यूनिक कॉन्स्टेंट देते हैं, दैट मीन्स कि आप जो वैल्यू एंट्री करेंगे दैट शुड बी यूनिक, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए. प्राइमरी की क्या है? यूनिक यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो रिकॉर्ड इन ए टेबल, इन ए डेटाबेस टेबल. प्राइमरी की भी वही काम करता है जो यूनिक की काम करता है. फ़र्क जो आगे बताया जाएगा कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, एक टेबल में एक से ज़्यादा यूनिक कर सकते हैं हम लोग. फॉरेन की क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो इन इन एनी अदर डेटाबेस टेबल. एक दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में अगर हमको रिलेशन करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फॉरेन की यूज़ करेंगे. चेक कॉन्स्टेंट क्या है? चेक कॉन्स्टेंट इंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज इन ए कॉलम सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन. कंडीशन हमको डालना है कि मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 60, तो हम लोग चेक कॉन्स्टेंट करके इसको यूज़ करेंगे. इंडेक्स क्या है? यूज़ टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस वेरी क्विकली. तो इतने सारे जो हम लोग कॉन्स्टेंट यहाँ हैं इसको हम लोग वन बाय वन करके हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. नाउ द फर्स्ट वन इज नॉट नल कॉन्स्टेंट. जैसा कि हमने बताया कि नॉट नल, नल का मतलब होता है एम्प्टी, खाली. नॉट नल मतलब उसमें एंट्री करना मस्ट है. बाय डिफॉल्ट ए कॉलम कैन होल्ड नल वैल्यूज. इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट ए कॉलम टू हैव नल वैल्यू देन यू नीड टू डिफाइन सच कॉन्स्टेंट ऑन दिस कॉलम स्पेसिफाइड specifying that null is now not allowed for that column. A null is not the same as no data. Rather, it represents unknown data. For example, the following SQL create a new table called customer, add 5 column, 3 of which ID, name, age, is specifying not a except null. तो यहाँ पर हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है कस्टमर, जिसमें 5 फील्ड है आईडी, नेम, एज. इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया नल को. देखिए नेक्स्ट, ये देखिए हम टेबल बनाएंगे इस तरीके से. जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आप इस तरीके से टेबल बनाइएगा जिसमें कस्टमर नाम का टेबल होगा, आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है, सैलरी है, और जिसको आप
प्राइमरी की भी यहाँ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है आईडी नेम एज इसको नॉमिनल हम लोग दे रहे हैं, दैट मीन्स कि इसमें इंट्री करना मस्ट है। नेक्स्ट, इफ द कस्टमर टेबल हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड देन एड ए नॉमिनल कॉन्स्टेंट टू सैलरी कॉलम इन ओरेकल या MySQL, वी वुड राइट ए स्टेटमेंट सिमिलर टू द फॉलोइंग। सपोज कीजिए कि आप टेबल बना लिए हैं, फिर आपको लगा कि अरे इस टेबल के इस फील्ड में हम नॉमिनल देना भूल गए हैं, तो आपको याद होगा ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन किया था ऑल्टर कमांड, जिससे हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर मॉडिफाई यूज़ करके इसमें नॉमिनल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब दूसरा कॉन्स्टेंट आता है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट। जैसा कि हम अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया था कि अगर आप किसी फील्ड में कोई वैल्यू इंट्री नहीं करते हैं तो वो अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंट्री कर देगा। जैसे बहुत सारे फॉर्म आप जब नेट पे इंट्री करेंगे तो कहीं मैंडेटरी कहीं ऑप्शनल लिखा रहता है, आप छोड़ दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी में लिखना मस्ट है जैसे नॉमिनल बताया, तो अगर आप नहीं लिखिएगा तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगा, दैट कम्स विद डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट। द डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू अ कॉलम व्हेन द इंसर्ट इनटू अ स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, the following SQL create a new table called customer and add 5 column. Yeah, the salary column is 5000 by default. So in case insert into a statement does not provide a value for the column, then by default this column would be set to 5000. तो अगर आप उसमें एंट्री नहीं कीजिएगा तो by default उसमें क्या वैल्यू सेट हो जाएगा, 5000 सेट हो जाएगा with the help of default constraint. आप यहाँ देखिए एक टेबल बनाया गया जिसको आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो इस तरीके से आप कीजिए, जैसे कस्टमर टेबल आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है, सैलरी में देखिए हमने कंडीशन लगा दिया है डिफ़ॉल्ट 5000। तो जब भी आप इंट्री जो रिकॉर्ड करना है कीजिए, लेकिन अगर आप इंसर्ट करते टाइम सैलरी में अगर कुछ इंट्री नहीं कीजिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, इसमें 5000 इंट्री हो जाएगा। और अगर आप पहले से बना लिए हैं तो फिर आप उसमें क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ए कस्टमर टेबल has already been created, then to add default constraint salary column, we would write a statement similar to the following. Alter table with modify clause के थ्रू हम लोग इसको कंडीशन डाल सकते हैं। तो आज हमने दो कॉन्स्टेंट बताया, और डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट में एक और आता है ड्रॉप डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट। जो डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट है उसको भी हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ To drop a default constant, we can also use alter table command with drop column. तो यहाँ इसको हम कैसे लिखेंगे, alter table customer, alter column salary drop default. जो भी ऑलरेडी अगर आप डिफॉल्ट दिए हैं उसको हटाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ alter कमांड विद ड्रॉप कॉलम के साथ हम इसको हटा सकते हैं। तो आज के मेरी इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने कॉन्स्टेंट के बारे में सीखा, कॉन्स्टेंट क्या है, कितने तरह का कॉन्स्टेंट होता है, और आज हम लोगों ने डिस्कशन किया कि आपको नॉमिनल कॉन्स्टेंट क्या है और डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ऑडियो लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और आप कुछ इतना सारा कमांड हमने बताया उसको आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू।